स्पेशल पुलिस क्यूआरटी, इसके कमांडर हैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत। इसके बाद नवी टोली श्री शिवम कुमार तिवारी के नेतृत्व में और इसके बाद घुड़सवार दस्ता नंबर 11 राम कुमार के नेतृत्व में दूर रहिएगा भाई। और ये स्पेशल महिला क्यूआरटी जोरदार ताली वाला के नेतृत्व में और ये हमारे एनसीसी छात्रा की टोली कैडेट सिंह वेक्टा सिंह के नेतृत्व में सुंदर और एनसीसी छात्र कैडेट सिंह शिवम कुमार तिवारी के नेतृत्व में परम आदरणीय मुख्य अतिथि को मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए और परेड की परेड एडजुटेंट सुश्री आस्था जायसवाल क्षेत्र अधिकारी पुलिस महोदय को दाहिनी तरफ श्री अभिनंदन मामले सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी लाइन और साथ में है बाई तरफ द्वितीय कमांडर श्री सागर जैन सहायक पुलिस अधीक्षक प्रोविजनल तिवारी के नेतृत्व में इसके बाद इंटरसेप्टर यातायात अनंत कुमार सिंह के नेतृत्व में विधि विज्ञान प्रयोगशाला फिर यूनिट वैज्ञानिक अधिकारी शिव कुमार बहादुर सिंह के नेतृत्व में यूपीए 12 पीआरबी मुख्य आरक्षी श्री पतिराम प्रजापति के नेतृत्व में 12 पीआरबी महिला दस्ता महिला मुख्य आरक्षी राधा के गिरी के नेतृत्व में और महिला हेल्पलाइन 1090 महिला उपरीक्षक श्रीमती नेहा तिवारी के नेतृत्व में महिला हेल्प डेस्क मिशन शक्ति महिला उपरीक्षक श्रीमती पद्मावती गुप्ता के नेतृत्व में वायरलेस प्रस्ताव श्रीमती किरण यादव
महिला। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। माननीय जवान जो कदम से कदम मिला करके एक साथ उठते हुए हाथ एक साथ बढ़ते हुए कदम, कितना विहंगम दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत है। बस ये बात हवाओं को सताए रखना, रोशनी होगी चिरागों से जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे से बचाए रखना। तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त ही खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कमांडर, कमांडर, दी महोदय को ससम्मान लेकर सभी कमांडर से पर्चे प्राप्त कराए। पर्चे प्राप्त होता हुआ सबसे पहले फर्स्ट कमांड, इसके बाद सेकंड कमांड सिरसागर जैन, पर्चे प्राप्त होता हुआ साथ में पुलिस उप महानिरीक्षक, माफ कीजिएगा, पुलिस उप महानिरीक्षक पब्लिक वाराणसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय वाराणसी, परिचय प्राप्त होता हुआ सभी कमांडर से। पुलिस उप महानिरीक्षक, माफ कीजिएगा, पुलिस उप महानिरीक्षक पब्लिक वाराणसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय वाराणसी, परिचय प्राप्त होता हुआ सभी कमांडर से। इसके बाद सर्किल सदस्य पुलिस मित्र श्री चंदन सिंह, तृतीय नाम आ गया है, महिला पुलिस टीम द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। सभी कमांडर से अनुरोध है कि आप सूचना सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से अलंकित मुख्य से अनुरोध करेंगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोगों का सम्मान करने के लिए शाल ओढ़ा करके अंग वस्त्र दे करके। खुशकिस्मती है कि आज भी हमारे बीच में स्वतंत्रता के साक्षी ऐसे वीर उपस्थित है। हम लोगों का परम सौभाग्य है और देश का भी सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। सबको जाने के लिए मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अपनी ओर से बहुत हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान ने ऐसे सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किया कि देश दिन प्रतिदिन अपने गणतंत्र को मजबूत करता जा रहा है। सामान्य परिवारों से निकले हुए लोग सर्वोच्च पदों तक पहुंचे, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है। चाहे वो श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हों, और चाहे हमारे वर्तमान लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, सब साधारण परिवारों से निकलकर देश के नेतृत्व प्रदान किया उन्होंने। और दुनिया में आज भारत का सर ऊँचा है,
ये हमारे संविधान में प्रदत्त जो एक मानचित्र था उसके कारण ये संभव हो पाया है। आज आपने देखा कि कोविड आपदा में जो एक बहुत बड़ी वैश्विक आपदा थी, भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया और अपने यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस आपदा को सीमित करने में सफल हुए, वैक्सीन निर्माण में सफल हुए और आज दुनिया के तमाम देशों को भी वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे गणतंत्र ने ऐसा नेतृत्व चुनने का मार्ग दिया था जिसमें जनता ने ऐसे नेतृत्व को चुना जो आज देश में नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व उनके रूप में हमें प्राप्त है। मैं आज इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।